वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मौज काट रहे होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम जा रहे हैं एक कॉटन लैब में विजिट कर रहे हैं। तो वहाँ पे कॉटन टेस्टिंग किस तरीके से होता है और उसका प्रोसेस क्या क्या है आज वो पूरा देखेंगे। और मेरे को लगा कि इस लॉकडाउन में आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट देना चाहिए, तो मेरे को वहाँ पर थोड़ा सा काम भी था, तो आज मैं वहाँ जा ही रहा था। तो मैं सोचा कि आप लोग को भी दिखा दूँ कि कॉटन की टेस्टिंग किस तरीके से होती है। तो फटाफट से तैयार होता है और जाते हैं कॉटन लैब। गाइज, आज हम विजिट करने आए थे कॉटन लैब, जो शिवा कॉटन लैब है, जो कि हमारे नागपुर में ही है। और यहाँ पे कॉटन का टेस्टिंग होता है। तो मेरे को थोड़ा काम भी था और यहाँ पे मेरे को कॉटन की टेस्टिंग भी देखनी थी कि किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे विठल भी आते साथ में, जो आज हमको यहाँ का पूरा टूर देंगे कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे कॉटन का टेस्टिंग होता है, और वो हमको समझाएंगे कि कॉटन के टेस्टिंग की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है। और उसके बाद में हम लोग वहाँ पे जानेंगे कि इस कॉटन के टेस्टिंग में क्या क्या प्रोसेस होती है। और यहाँ पे भैया है जो यहाँ पे कॉटन का जितना भी हमारा टेस्टिंग होता है, तो उसके लिए जितने भी सैंपल्स आते हैं वो यहाँ पे खोलते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो अलग अलग सैंपल्स आते हैं उसको प्रॉपरली नाम के हिसाब से, मतलब किसका सैंपल है उसका नाम के हिसाब से, वो यहाँ पे उसको अरेंज करते हैं और फिर उसको अंदर लैब में भेजते हैं उसका टेस्टिंग के लिए। तो भैया आपका नाम क्या है? रवि पारदी। तो भैया यहाँ पे आप कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हो? लगभग 8 महीने। 8 महीने से यहाँ पे हो? जी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है कि मतलब जो यहाँ पे कॉटन वगैरह आते हैं वो किस टाइप के, अपन मतलब आपको कितने वैरायटी अभी तक देखने मिली है? तो यहाँ पे भैया यहाँ पे पूरा टेस्टिंग कर इसका सैंपल का निकालते हैं। यहाँ पे भैया पूरा अकाउंट संभालते, मतलब यहाँ पे एंट्री वगैरह सब करते हैं। तो यहाँ पे भैया अकाउंट संभालते हैं और अंदर में यहाँ पे जो कॉटन है उसको अलग अलग किया जाता है ताकि उसकी टेस्टिंग हो सके। यहाँ पे भी भैया अलग अलग कर रहे हैं सैंपल्स, और उसके हिसाब से यहाँ पे जैसे जो जिसका सैंपल आता है उसकी यहाँ पे कैसे इस तरीके से पर्ची रहती है जो उसमें रखी जाती है ट्रे में, ताकि जब एंट्री हो उस कॉटन की तो उस कॉटन की रिपोर्ट उसके हिसाब से यहाँ पे उसकी पूरी अरेंज की जाती है। इसमें पार्टी का नाम, लॉट नंबर और बेल नंबर सब लिखा रहता है, उसके हिसाब से हम टेस्टिंग करते हैं। ओके। यहाँ पे जब हम सेकंड रूम के अंदर आते हैं तो भैया यहाँ पे, भैया ये क्या प्रोसेस कर रहे हो आप? कॉटन जो है इसको खोलना पड़ता है, ये डायरेक्ट अपन मशीन में नहीं डाल सकते इसको। अच्छा, मतलब यहाँ पे पूरा कॉटन खोलते हो? 8 से 10 घंटा कंडीशनिंग जोन में रखते हैं। अच्छा, उसके बाद ही इसकी टेस्टिंग। तो मतलब आप टेस्टिंग के लिए यहाँ पे पूरा कॉटन खोलते हो? भैया आपका नाम? अविनाश। अविनाश भी है यहाँ पे, जो यहाँ पे पूरा कॉटन खोलते है। तो भैया ऐसे कितने ट्रे दिन में आप कर लेते हो? सीजन में 700-1000 दिन में। हाँ, एक दिन। मतलब जितना टेस्टिंग का सैंपल आता है वो पूरा? वो सब एक दिन में। तो ये यहाँ पे बहुत बेहतरीन काम चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भैया अभी टेस्टिंग अलग अलग कर रहे हैं, अब टेस्ट लैब के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या काम होता है। तो यहाँ पे यह है कंडीशनिंग जोन। तो यहाँ पे भैया बता रहे थे कि यहाँ पे जो इसका पूरा मॉइस्चर है वो रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे किस तरीके से प्रोसेस होती है ये? यहाँ पे जैसा अपन ने बाहर में देखा है, सबसे पहले एंट्री होती है, उसके बाद में जो कॉटन रहता है वो कॉटन को खोला जाता है। हाँ। उसके बाद में अपना कॉटन यहाँ पे जो सैंपल रहते हैं यहाँ पे आता है कंडीशनिंग जोन में। हाँ। ठीक है, यहाँ से अपन 6-8 घंटे यहाँ से कंडीशनिंग करते हैं। कंडीशनिंग में जैसा होता है कि इसमें कभी कभी मॉइस्चर कम ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे जैसा अपन ने लगाया है, ठीक है, इस हिसाब से अपन यहाँ पे जो है सैंपल रखे वो सैंपल को अपन कंडीशनिंग करते हैं। ये कंडीशनिंग करने के बाद में यहाँ पे जो लगा है फॉग वगैरह लगा है, जहाँ पे अगर किसी में कम आता है मॉइस्चर, ज्यादा आता है, वो मेंटेन करने के लिए कंडीशनिंग जोन है। ठीक है, फिर यहाँ से जाने, यहाँ से 7-8 घंटा यहाँ पे रखने के बाद फिर अपना जाता है मशीन पे सैंपल। ओके। यहाँ पे मशीन है जहाँ पे इसका नाम है प्रीमियर R2, जहाँ पे कैलिब्रेशन होता है कॉटन का और उसके बाद में यहाँ पे टेस्टिंग होती है। तो भैया मेरे को एक चीज बताइए, अभी हमने देख लिया सैंपल कलेक्ट हो गया, उसके बाद में सैंपल को अलग कर लिया गया, उसके बाद कंडीशन रूम भी हो गया, उसके बाद ये लैब में किस तरीके से सैंपल का यहाँ पे काम चलता है? यहाँ पे प्रीमियर R2 मशीन है। हाँ। ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है। हाँ। यहाँ पे जब सैंपल कंडीशनिंग जोन से यहाँ पे सैंपल आता है। हाँ। 7-8 घंटे कंडीशनिंग होने के बाद में सैंपल आता है यहाँ पे। हाँ। फिर एक पर्टिकुलर इसका जो सॉफ्टवेयर है। हाँ। मशीन का ये, इसको अपन ओपन करते हैं, यहाँ पे उसका IID पासवर्ड पूछता है अपने को। ओके। ठीक है, ये ओपन होने के बाद में फिर यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। जैसा अपने सैंपल जो अपन ने दिखाया आपको पूरा, वैसा अपन यहाँ पे
कंपनी का पार्टी का नाम वगैरह डालेंगे अपन पूरा। हाँ हाँ, उनके नाम से प्रॉपर पहले इंडेक्स बनाएंगे, इंडेक्स बनाएंगे, उसके बाद में उनका जो रिपोर्ट आता है वो उसमें हम फिल करेंगे। हाँ ठीक है। सो ये फर्स्ट यहाँ पे कलर इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेशन है जिसमें यहाँ पे वोल्टेज सेट करना पड़ता है। यहाँ पे आरडी वोल्टेज और प्लस बी वोल्टेज है जो यहाँ पे सेट किया जाता है। इसके लिए इसमें कुछ स्टेप्स होती है और ये नीचे साइड से यहाँ से मॉनिटर होता है ये सब पूरा, और यहाँ पे सैंपल्स डाले जाते हैं और यहाँ पे माइक टेस्ट होता है कॉटन का। तो इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैं भैया के थ्रू आप लोग को बताता हूँ। सो यहाँ पे अभी कलर कैलिब्रेशन चल रहा था, तो भैया हमको बताएंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है इस पे? ये सबसे पहले जब अपन आते हैं, हाँ, मशीन पे जब मशीन ऑन करते हैं तो सबसे पहले अपन यहाँ पे मशीन का प्रॉपरली पूरा कैलिब्रेशन होता है। हाँ, उसके बाद में सैंपल निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी जो है ये कलर कैलिब्रेशन है। हाँ, अपने जो मशीन, ये मशीन का जो कैलिब्रेशन है प्रॉपरली, हाँ, कैलिब्रेशन अभी कर रहे हैं। तो इसमें काय का कैलिब्रेशन होता है? यहाँ पे कलर कैलिब्रेशन लिखा है, कलर कैलिब्रेशन लिखा है। ये जो यहाँ पे जो टाइल है, हाँ, हर हर टाइल पे अलग अलग नहीं हो, ठीक है, हाँ, येलो, ग्रे, ये मशीन का कैलिब्रेशन है पूरा। तो ये यहाँ पे मतलब कलर का पहले करना पड़ता, हाँ, है हमको। जो बॉटम में कभी कभी कलर आते हैं, हाँ, पीला थोड़ा सा ऐसा, तो उसके लिए पहले कैलिब्रेशन करना पड़ता है। तरीके से यहाँ पे रख के इसको कैलिब्रेशन करते हैं। हाँ, यहाँ पे पूरे कलर्स बताए जाते हैं कि कौन सा कलर में क्या है। हाँ, तो ये जैसे कलर कैलिब्रेट करता है तो ये हमको शो होता है यहाँ पे, यहाँ पे शो होता। तो इसमें मेन चीज का देखी जाती है, आरडी वोल्ट देखा जाता है प्लस वाला। हाँ, क्या देखा जाता है इसमें? वो दोनों भी जो दिया है दिखाता है, आरडी प्लस भी दिखाता है। हाँ, ठीक है, उसके बाद में फिर वो जब रिपोर्ट पूरी कंप्लीट हो जाती है, हाँ, तब वो कौन सा वोल्टेज कम ज्यादा है वो बताता है। हाँ, अगर दोनों अगर ठीक रहे, हाँ, तो वो पास रिपोर्ट को पास कर देता है। इस तरीके से जब कलर का कैलिब्रेशन होता है तो इसका रिपोर्ट निकलता है और यहाँ पे हर एक चीज़ दिखाई जाती है कि उसमें कितना परसेंट क्या स्टैंडर्ड्स है, क्या मेजर्स है, उसका स्टेटस क्या है, वो पास है या फेल है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ भैया, ये जो रिपोर्ट है ये कितना काम आता है उसमें? इसमें मतलब अगर किसी कंपनी का अपने पास सैंपल आता है, ओके, तो अपन कैलिब्रेशन इसलिए करते हैं कि प्रॉपरली अपन उसको बता सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि सर हमारी जो मशीन है सबसे पहले हमने कैलिब्रेशन की, उसके बाद में आपका सैंपल हमने टेस्ट किया है। अच्छा, तो इसमें उस कॉटन में मतलब कितना परसेंट उसका स्टैंडर्ड है, उसका स्टेटस क्या है, वो हमको यहाँ पे पूरा पता चल जाता है कि उसके कलर स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। ये जो अपने जो कलर स्टैंडर्ड है ये, हाँ, अपने मशीन के है, हाँ, तो हम अपन मशीन अपने जो है पूरी कैलिब्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद में अपन सैंपल को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो जैसा यहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूनिट रहता है कैलकुलेशन के लिए, जो रिपोर्ट में जितने भी कॉटन के कैलकुलेशन आते हैं उसमें जो स्टैंडर्ड वैल्यूज रहती है कैलकुलेट करने की, तो यहाँ पे जी, तो भैया किस तरीके से कैलिब्रेशन का जो कैलकुलेशन करता है किस तरीके से होता है? जैसा अपना कलर कैलिब्रेशन होता है, हाँ, उसके बाद में आता है कॉटन कैलिब्रेशन। हाँ, अपनी मशीन जहाँ पर ये हुई है मैन्युफैक्चरिंग हुई है अपने, वहाँ से ये कैलिब्रेशन कॉटन मिलती है। ठीक है, हाँ, ये दोनों कैलिब्रेशन कॉटन है। जैसे अपने पास दो टाइप के कॉटन आते हैं, एक तो लो, हाँ, लो इसका कॉटन आता है लो टाइप का, या फिर हाई टाइप का। जैसा ये जो है ये लॉन्ग वाला है, लॉन्ग कैलिब्रेशन कॉटन है, एक्स्ट्रा लॉन्ग कैलिब्रेशन है। इसके बाद में रहता है ये शॉर्ट कैलिब्रेशन है। हाँ, ये दोनों अपन जो कैलिब्रेशन है अपने पास जो कॉटन आते हैं अलग अलग दो टाइप के कॉटन आते हैं। हाँ, उसके इससे अपन कैलिब्रेशन करते हैं ये दोनों। मतलब यहाँ पे जो इसका वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो दिया है, हाँ, इसके ऊपर पूरा कैलकुलेशन होता है, कैलिब्रेशन होता है मशीन का। और यहाँ पे दिया है जो लो, जो शॉर्ट कॉटन है यहाँ का दिया है। हाँ, इसका माइक है 4.6, ठीक है। हाँ, उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रेन रहती है, यहाँ पे अपर हेड और इंडेक्स। तो ये मतलब जिस तरीके से यहाँ पे जो पूरे वैल्यू दिया है ये अप्रूव्ड कौन करता है? ये अप्रूव्ड जहाँ पे जो मशीन अपने मैन्युफैक्चरिंग हुई है, हाँ, वहाँ से अप्रूव होके आता है ये कॉटन। ये अपने इंडिया का नहीं है, ये अदर कंट्री का है। अच्छा, और जिस तरीके से अभी अपने कैलकुलेशन देखे तो वो यहाँ पे होता है लेंथ और स्ट्रेंथ का कैलिब्रेशन। तो जैसा ये भैया कौन सा कॉटन है? ये शॉर्ट कॉटन है। तो ये शॉर्ट कॉटन है, इसको यहाँ पर डाला जाता है और फिर उसको डालने के बाद में इसके कितनी रीडिंग्स आती है? इसकी 6 रीडिंग आती है। इसकी 6 रीडिंग्स आती है। हाँ, इस तरीके से यहाँ पे जाता है कॉटन अंदर में, और इसके बाद में कॉटन अंदर जाता है यहाँ पे, यहाँ से अंदर जाता है पूरा, और ये नीचे मशीन है वहाँ पे कैलिब्रेट होती है। अभी लेंथ और स्ट्रेंथ यहाँ पे टेस्टिंग चालू है, यहाँ पे भी उसका कॉमिंग और ब्रशिंग होता है, और यहाँ पे इसके पूरे कैलकुलेशन आते हैं, जैसा ऊपर में जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आनी चाहिए ये। तो इसका जो मेजरमेंट, जैसा अभी 6 रीडिंग्स अपनी निकली है, तो ये पूरे 6 रीडिंग के ऊपर मैं वहाँ पे दिखता हूँ कि कौन सा कॉटन कितना अच्छा है। जैसे यहाँ पे भी पहली रीडिंग आई, ऐसे यहाँ पे 6 टेस्ट होते हैं, यहाँ पे से स्लॉट्स दिए होते हैं कि यहाँ पे कितने बार टेस्टिंग हुई है।
यहाँ पे जैसे टेस्टिंग होती है, यहाँ से बंद जब होता है ये, यहाँ से बंद होने के बाद में ये कॉटन अंदर जाता है, और यहाँ पे अंदर जाने के बाद में ये आगे सिस्टम में भेजता है, और इसका जितना भी कैलकुलेशन वो यहाँ पे शो करते रहता है। जैसा अभी वो अंदर आया, तो अंदर आने के बाद में ये साइड से ये ट्रे उसका आगे लाएंगी। ये फर्स्ट ब्रशिंग यहाँ होगा, सेकंड ब्रशिंग यहाँ होता है, थर्ड यहाँ पे फिर फाइनल ब्रशिंग होता है, और फिर उसको बाद में कटिंग किया जाता है। कटिंग होकर यहाँ पे आता है, ये अंदर यहाँ पे कैलिब्रेट होता है, इसका कैलिब्रेशन वैल्यू यहाँ से निकलती है, और फिर ये जो सैंपल है उसको ऊपर भेजता है, और बाद में ये घूम के ये बाहर साइड में यहाँ से कॉटन निकाल देता है। यहाँ पे जो कॉटन आता है वो यहाँ से स्टोरेज होके इसके अंदर में आता है। यहाँ पे जो हमारे सैंपल्स हैं पूरे यहाँ कनेक्ट होते हैं, और ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ ये पूरा वर्क करता है कैलिब्रेशन के लिए। सैंपल को जब अपन इस ट्रे में डालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कलर ग्रेड और मॉइस्चर यहाँ पे डिटेक्ट करता है वो। ये वाला कौन सा है, कॉटन? ये लॉन्ग कॉटन है, एक्स्ट्रा लॉन्ग कॉटन है। तो हमने इसके पहले जो किया शॉर्ट था, वो शॉर्ट कॉटन था, ये लॉन्ग कॉटन। अब इसको कैलिब्रेशन करेंगे अपन, तो इसका भी सेम वैसे ही कैलिब्रेशन होगा जैसा पहले हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है उसकी जो यहाँ पे जैसे इसके कैलकुलेशन है सेम सेम लॉन्ग के, उसके लॉन्ग के आएंगे। ये अभी शॉर्ट कॉटन था, इसके शॉर्ट आए, ठीक है, इसके जो कैलिब्रेशन शॉर्ट आए अभी उसके लॉन्ग आएंगे। तो इस तरीके से ये ट्रे यहाँ से जाती है, और उसके बाद में यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से वापस से प्रोसेस होगा, और फिर यहाँ पे हमारे सैंपल कट होंगे। सैंपल कट होने के बाद ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ब्रशिंग होगा, और ब्रशिंग होने के बाद में मतलब ये जो सैंपल है वो कलेक्ट होके यहाँ पे आता है। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे मशीन का वर्क होता है, पूरा कैलिब्रेशन होता है, और यहाँ पे कटिंग होकर ले यहाँ से पूरा अंदर जाता है। जो हमने अभी टेस्टिंग किया था उसमें लेंथ जो था शॉर्ट और लॉन्ग था, तो ये उसकी कैलकुलेशन पूरी रिपोर्ट है। इसमें हर एक चीज़ उसका स्टैंडर्ड, उसका ऑब्जर्वेशन, उसकी रेंज और उसका रिजल्ट, और उसका आगे का सबसे आखिरी होता है टॉलरेंस, तो ये पूरा यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट होके आता है। और इसकी जो रिपोर्ट निकलती है वो मेन मायने रखती है कि कॉटन किस कैटेगरी का है, उसका स्टेटस क्या है, और अगर वो फेल होता है तो यहाँ पे फेल की रिजल्ट आती है। बट यहाँ पे देखा जा रहा है कि कॉटन पूरे पास हुए हैं, मतलब ये कॉटन यूज़ के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे उसका एलोंगेशन है, उसका स्ट्रेंथ है, उसका USML है, उसका UI है, यहाँ पे हर चीज़ का यहाँ पे टेस्टिंग हुआ था। ये जो यहाँ पे जो रिजल्ट इसका जो निकल के आ रहा है, वो रिजल्ट में क्या क्या दिखा था, मतलब मशीन का किस तरीके से दिखा था, अगर समझो एक एग्जांपल जैसा, अगर मैं मेरा कोई कॉटन देता हूँ तो वो कॉटन अगर समझो उसका टेस्ट अगर कुछ गलत आया, मतलब मेरे को लगता है कि मेरा कॉटन अप टू द मार्क है, अगर उसका टेस्ट अगर मेरे को गलत दिख रही है तो वो कैसा प्रूव होता है कि मेरा टेस्ट गलत है या सही है? कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि मशीन गलत काम कर रही है, तो इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पे मशीन पे आते हैं, सबसे पहले मशीन ऑन करने के बाद ये जो कैलिब्रेशन आप दिखा रहे हैं आपको, हाँ। सबसे पहले कलर कैलिब्रेशन हुआ, उसके बाद में अभी लेंथ और स्ट्रेंथ कैलिब्रेशन हुआ, हाँ। इसके बाद में माइक का होगा, हाँ। इसीलिए है कि अगर कोई पार्टी हमको बोलती है, हाँ। कि सर आपकी मशीन में कोई दूर प्रॉब्लम है, तो हम उनको ये रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि सर हमारी जो मशीन है प्रॉपरली पूरा कैलिब्रेशन किया है, हर चीज़ में हमारा पास 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 पासिंग का आ रहा है, ठीक है, इसलिए हमारे मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इसलिए हम ये कैलिब्रेशन करते हैं। मतलब लेट्स से कि ये कैलिब्रेशन में ये भी दिख जाता है कि मशीन प्रॉपर वर्क है, हाँ। तो अगर कोई सैंपल देता भी है, हाँ। अगर वो बोलता है कि एक एग्जाम्पल के जैसा, अगर मैंने अगर सैंपल दिया और मेरे को लगता है कि मेरा वो अप टू द मार्क है, बट अगर मेरे को कहीं ना कहीं उसमें डाउट गया, तो मशीन के कैलिब्रेशन का जो रिपोर्ट रहता है वो उनको हम दिखा सकते हैं कि सर देखो हमारी जो मशीन है, मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उनके लिए कैलिब्रेशन रहता है। अच्छा, यह है इंटरनेशनल कैलिब्रेशन कॉटन जो कि आया है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। तो इस पे भैया क्या होता है, माइक टेस्टिंग होती है यहाँ पे? इस पे माइक टेस्टिंग होती है, जैसे अपन ने सबसे पहले कलर किया, उसके बाद में लेंथ एंड स्ट्रेंथ किया, अपन तीसरा स्टेज जो है उसका माइक करेंगे। इसमें भी दो टाइप के माइक आते हैं, एक लो माइक आता है, एक हाई माइक आता है। जो ये पूरा कॉटन है जो अपन ने अभी तक देखा है, ये पूरा कॉटन जो आता है वो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है। तो अपन अभी इसका कैलिब्रेशन करेंगे माइक का। तो यहाँ पे इसको पहले जीरो किया जाता है, तो इसमें कुछ ऐसा स्टैंडर्ड है कि इतना ही कॉटन मतलब माइक पर डालना पड़ता है, हाँ, जैसा 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स? मशीन का जो है, हाँ, माइक के लिए अपन को 10 ग्राम ही लेना पड़ता है। तो
तो मतलब ये बहुत माइन्यूट रहता होंगे कि इतना ही आना चाहिए? उतना ही आना चाहिए, अगर कम ज़्यादा होता है हाँ? तो मशीन वो लेती नहीं, आउट ऑफ लिमिट बताती है वेट का। ओके, तो जैसा भी यहाँ पे अपन ने इसको लेट से इसको अपन ने जैसा भी 10 ग्राम ले लिया हाँ। तो एग्जैक्ट 10 ग्राम लेना पड़ता है, एग्जैक्ट 10 ग्राम लेना पड़ता है। ठीक है, ये कौन सा वाला कॉटन था? ये जो पहला लिया अपन ने वो लो माइक लिए हाँ? अभी अपन हाई माइक लेंगे। तो ये हाई माइक कॉटन और लो माइक कॉटन दोनों का टेस्टिंग अलग अलग होगा हाँ, और दोनों का आएंगा अलग अलग। सो ये है माइक टेस्टिंग का जो मशीन होता है वो यहाँ पे होता है, तो इसको ऐसा अलग अलग करके डालना पड़ता है हाँ, हाँ। अगर एक साथ में ऐसा डाल दे तो मशीन लेती नहीं है हाँ, लेती नहीं है, वो मशीन प्रॉब्लम दिखाएंगे। तो इसको अलग अलग करके इसके अंदर डाला जाता है। और ये जो माइक टेस्टिंग है ये बेसिकली होता क्यों है? जो कॉटन रहता है हाँ। जैसे आपने देखा है रिपोर्ट, कॉटन की जो रिपोर्ट आती है हाँ। उसमें स्ट्रेंथ लेंथ, उसके बाद में माइक आता है, मॉइस्चर आता है हाँ। इसलिए अपने ये जो माइक रहता है माइस कैलकुलेशन करते हैं। अभी लो माइक का क्या उसका ये रेटिंग है? लो माइक की रेटिंग आ गई है हाँ। अभी अपन हाई माइक डालेंगे, अभी हाई माइक का करेंगे हाँ। तो यहाँ पे पहले कॉटन डाला जाता है हाई माइक का, जो थोड़ा अलग अलग करके डालना पड़ता है, और फिर ये अंदर जाता है, और फिर यहाँ पे ये कैलिब्रेशन काउंट होता है उसका। तो यहाँ पे ऐसे उसका बराबर प्रॉपरली दिखता है, और यहाँ पे कॉटन यहाँ पे आता है, मतलब जो सैंपल है वो नीचे साइड आता है, और अंदर साइड में यहाँ पे उसका पूरा टेस्टिंग होता है, मशीन यहाँ पे टेस्ट करता है और रिजल्ट सामने में आता है। तो जैसा ये यहाँ पे माइक का रिपोर्ट आया है तो लो माइक का तो पास हुआ है, बट हाई माइक का यहाँ पे फेल दिखा रहा है क्योंकि वो कॉटन में गड़बड़ थी। तो भैया इसमें क्या गड़बड़ होंगे जो फेल आया होगा? जो अपन डालते हाँ डालते टाइम में अगर होता है तो माइक का जो वोल्टेज रहता है हाँ थोड़ा सा कमी हो जाता है हाँ, इसके लिए उसको जो फेल आई है हाँ। अपन जब तक पास नहीं आती तब तक अपन आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, पास आएंगे तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। लेट से कि मतलब वो जो कॉटन है जब तक उसका पास का रिजल्ट नहीं आता हम उस कॉटन का मतलब अलग अलग बार टेस्टिंग करते रहेंगे। तो भैया जैसे नागपुर कर बिन्स को हमने डीएम किया था कि आप आओ और हमारा जो टेस्टिंग होता है वो क्या होता है वो आप देखने दिखाने के लिए आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे बहुत लोगों को नहीं पता कि कॉटन की भी टेस्टिंग होती है, तो आप इस वीडियो के जरिए उन लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे टेस्टिंग होती है, क्या होता है टेस्टिंग्स में, और हम लोगों का आपने जो ये दिया, आपने हमारे बुलाने पे आप जो आए हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और व्यूवर्स के लिए एक बात है कि आपने आपको वीडियो अभी तक का जो पसंद आया है, जो आपने अभी तक वीडियो देखा वो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच भैया। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और हाँ, अगर आपने बेल आइकन चालू नहीं किया होगा तो प्लीज़ जो बाजू में बेल आइकन है वो चालू कर लो, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट ब्लॉग डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी आ सके। सो फ्रेंड्स, टिल देन कीप सपोर्टिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, फिट द पोर सेल्फ विदर्स एंड टेक केयर। बाय बाय।